नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी का जो प्राइस है वो इसके फंडामेंटल को सपोर्ट करता है या नहीं करता है और कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है और आने वाले समय में इसकी कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर क्या ग्रोथ हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कंपनी के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदना चाहिए तो उसके पीछे क्या रीजंस है, अगर नहीं खरीदना चाहिए तो उसके पीछे क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी ये फिलहाल 413 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं रिटर्न प्रोफाइल। दोस्तों एक साल के अंदर कंपनी ने लगभग 729% का रिटर्न दिया है, मतलब 7 गुना पैसे आपके कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं तो 100 में से इसके 45 नंबर मिलते हैं, मतलब मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। अगर हम वैल्यूएशन की देखते हैं तो दोस्तों 100 में से 2.8 नंबर ही मिलते हैं, मतलब बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं टेक्निकली जो स्टॉक है वो बुलिश है, 100 में से 70 नंबर इसको प्राप्त होते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज ब्रोकर टारगेट की, जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो इसके टारगेट क्या दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कोई भी ब्रोकर हाउस का टारगेट नहीं बता रहा। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 62,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो दोस्तों 73.6, मतलब कितना महंगा स्टॉक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो लास्ट 12 मंथ की तो वो भी नेगेटिव के अंदर है 1000। और दोस्तों अगर पीजी रेशियो देखते हैं तो वो भी नेगेटिव के अंदर है 11.58। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी जो सेल्स है, एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है वो क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 17 की तो कंपनी की जो सेल थी वो 501 करोड़ रुपए थी। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो काफी अच्छा है, 98 करोड़। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों वो है 403 करोड़, मतलब काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को मिल रहा था, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वो नेगेटिव के अंदर रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्च 18 की देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 3 गुना बढ़ गई है, 1480 करोड़ हो गई, लेकिन दोस्तों एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो लगभग 6 गुना बढ़ गया है, 367 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो भी काफी अच्छा है, 82842, लगभग 842 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी नेगेटिव के अंदर है, 137 करोड़ के आसपास। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 19 की तो कंपनी की सेल्स यहाँ भी बढ़ती है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास हो जाती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कम होते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा ग्रोथ होता है, लगभग दुगना हो जाता है, 1525 करोड़। लेकिन अगर नेट लॉस की बात करते हैं दोस्तों तो वो भी लगभग 4 गुना के आसपास हो जाता है, 473 करोड़ का लॉस। और दोस्तों अगर मार्च 20 की बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स यहाँ भी इंक्रीज होती हैं, लगभग 2500 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स हो जाती हैं, एक्सपेंस भी काफी जबरदस्त उछाल मारता है, 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है। और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो लगभग 1450 करोड़, जो काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी प्राप्त करती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ भी नेट में तो लॉस ही रहता है कंपनी को, लेकिन काफी कम लॉस रहता है। तो दोस्तों जो इसका एनुअल डाटा है वो काफी कम है, बहुत ज्यादा डाटा है नहीं, 2017 से पहले का डाटा इसका अवेलेबल है नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो काफी अच्छा रहा है, मतलब इतना खराब नहीं रहा कि कंपनी की सेल्स कम हो गई, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी रही है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन कंपनी का एटलीस्ट फाइनली सेल्स इसकी बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मार्च 20 के अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स इंक्रीज की है, ये काफी अच्छा बात है कंपनी के लिए, काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कंपनी का जो लास्ट में नेट प्रॉफिट है वो लॉस के अंदर क्यों चला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आप देख पा रहे हो ना, ये किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का मार्च 19 के अंदर लगभग डेप्ट इक्विटी रेशियो था 12.73,
लेकिन मार्च 20 के अंदर हो गया 5.97, मतलब 6 के आसपास। दोस्तों ये डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 या उससे कम होना चाहिए, मतलब जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर 1 से ऊपर जाता है तो कंपनी के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का 6 गुना है, मतलब कंपनी ने कर्ज ले रखा है अपनी इक्विटी के मुकाबले 6 गुना। तो ये काफी वीक और बहुत ही खराब इसका रेशियो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस में चला जाता है, क्योंकि कंपनी का जो भी प्रॉफिट कमाती है वो कंपनी इंटरेस्ट दे देती है, ब्याज दे देती है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों ये क्या होता है, इसको हम साधारण भाषा में समझते हैं कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और आप साल के 24,000 उसका ब्याज दे रहे हो, तो आप इनकम कितने कमा रहे हो? मान लो आप पूरे साल का जो कमा रहे हो वो भी 24,000 है, तो आप उसका ब्याज ही दे पा रहे हो, मतलब आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया 1। लेकिन अगर आप मान लो ब्याज दे रहे हो 24,000 और आप कमा रहे हो 12,000, तो मतलब आपका इंटरेस्ट रेशियो है वो कम हो गया, 1 से भी कम हो गया, मतलब आप तो जो उनका मूल है वो कैसे चुका पाओगे, क्योंकि आप तो ब्याज ही नहीं चुका पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने पहले ऐसा ही था, कंपनी है जो लोन ले रखा है उसका ब्याज ही नहीं चुका पा रही थी, लेकिन मार्च 2020 के अंदर कंपनी उसका ब्याज चुकाने लायक हो गई है और प्रॉफिट भी दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर। और दोस्तों अब बात करते हैं हम करंट रेशियोज की। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। दोस्तों करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो करंट रेशियो है कंपनी का 0.77, तो दोस्तों ये भी कंपनी का 1.5 तो मिनिमम होना ही चाहिए, और 2 से ऊपर है तो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये शो हो रहा है कंपनी की जो करंट एसेट है वो काफी वीक है और करंट लायबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो प्रमोटर है उनके पास है 58.1% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और सबसे ज्यादा प्रमोटर है उसके पास होल्डिंग है 33.92 अदानी ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं FIIs की, तो दोस्तों लगभग 60 FIIs ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और 21.14% का होल्डिंग FIIs के पास है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग है इंक्रीज भी की है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। दोस्तों म्यूचुअल फंड की सिर्फ 3 स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है और होल्डिंग है सिर्फ 0.01%, मतलब ना के बराबर है। और दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट अब आता है NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास है लगभग दोस्तों 3.75% की, और लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने 0.24% की होल्डिंग घटाई है। तो दोस्तों ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी आपको बहुत कुछ समझाता है अगर आप समझने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इन 3 महीनों के अंदर ही कंपनी का, अगर मार्च के अंदर देखते हो तो लगभग 120 रुपए के आसपास उसका प्राइस था, और वहां पे किसने खरीदा है, किसने बढ़ाई है, FIIs ने, और बेचा किसने, NII ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टरों ने। तो ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीद रहे हैं, क्योंकि इतने ऊपर प्राइस भी चला गया है ना, तो वहां पे किसने खरीदा था, FIIs ने, जैसा कि आप देख पा रहे हो म्यूचुअल फंड ने खरीदा था, तो वहां पे अब FIIs बेच रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है एक रिटेल इन्वेस्टर की, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूं और मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं, मेरे को स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 5 साल हो गए हैं, 2015 से मैं काम कर रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बिजनेस एनालिसिस की। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस है वो काफी शानदार है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सोलर पावर के अंदर है कंपनी, विंड पावर के अंदर भी है, उसके बाद दोस्तों कंपनी हाइब्रिड पावर के अंदर भी है कि सोलर और विंड दोनों से भी पावर जनरेट करती है। दोस्तों आपको पता है पावर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज पावर से ही चलेगी। आप देख जैसे कि देख पा रहे हो ट्रेनें बेसिकली पावर से चलते ही हैं, आने वाले समय में जो व्हीकल्स है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, वहां भी पावर की जरूरत पड़ेगी। तो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस जितना शानदार है उसका एक ड्रॉबैक भी है, नेगेटिव भी है एक थिंग्स, वो क्या है दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो इनकी जो यूनिट है उनको फिक्स कर देती है कि एक यूनिट का भाई इतना चार्ज करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी से कुछ भी यूनिट वसूल कर सको। तो ये कंपनी का ड्रॉबैक है, क्योंकि अब इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी अपने जो मार्जिन है वो इंप्रूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिक्स जो यूनिट है उसके हिसाब से उसको पैसे देने पड़ेंगे कि भाई अगर 6 रुपए 10 रुपए 12 रुपए जो भी सरकार डिसाइड करती है उसी हिसाब से उसको अपने पैसे लेने पड़ेंगे, अपनी मन मर्जी से कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर सकती। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव थिंग्स है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसका काफी पुराना चार्ट लगा दिया है, और दोस्तों कंपनी अपना बुल रन स्टार्ट करती है लगभग 42 रुपए के आसपास और अपना हाई बनाती है 245 रुपए के आसपास। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाता है कंपनी के अंदर और काफी दिन तक चलता है। उसके बाद दोस्तों और नीचे भी आप देखो वॉल्यूम के अंदर भी देखो, तो जैसे लोअर सर्किट स्टार्ट होता है उसके बाद वॉल्यूम
बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया और वहां पे वॉल्यूम फिर से आ जाती है और उसके बाद दोस्तों स्टॉक काफी नीचे चला जाता है और अपना लो बनाता है लगभग 118 रुपए के आसपास, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद स्टॉक ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ता है दोस्तों और ये अपना हाई बनाता है 485 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर से सेम पैटर्न दोहरा रहा है जैसे पहले हुआ था वैसा सेम अभी भी हो रहा है। आप गौर से देखो कि पहले वैसे लोअर सर्किट स्टार्ट हुआ था कंपनी के अंदर, उसके बाद नीचे देखो आप वॉल्यूम भी कम हो गई, जैसे पहले वॉल्यूम कम हुई थी वो अब भी वॉल्यूम कम हो गई है और फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और सेम पहले जैसे ही कैंडल लगभग बन रही है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने क्या किया था, नीचे की तरफ आया था और वॉल्यूम काफी कम हो गई थी। तो दोस्तों ये वॉल्यूम और प्राइस का है ना बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको समझ जाते हो ना तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसको बाय और सेल की, कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जिन्होंने बाई कर रखा है उच्च रेट में जो फंस चुके हैं, जो ट्रैप हो चुके हैं, उनके लिए क्या राय है? दोस्तों उनके लिए कोई राय नहीं है, क्योंकि वो अगर आप मैं उनको आपको बोलूंगा कि आप अपना लॉस बुक कर लो तो आप करोगे भी नहीं, क्योंकि यार ये बड़ा मुश्किल है डिसीजन लेना। और मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि आप अपना लॉस बुक कर लो, क्योंकि कोई भी आदमी लॉस नहीं करवाना चाहेगा अपना, तो यहाँ पे वो ट्रैप ही रहेंगे और अपना लॉस बुक नहीं कर सकते। कोई मैं भी होता तो शायद मेरी तो अगर मैं होता तो मैं लॉस बुक कर लेता अपना, कि भाई ठीक है अब हो गया लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे कहने पे आप लॉस बुक कर लो और कल से स्टॉक वापस चला जाए तो आप मुझे गाली बकोगे यार इस बंदे ने बता दिया हमने अपना जो लॉस बुक कर लिया और इसको प्रॉफिट में हो गया, तो ये बिल्कुल राय देना बिल्कुल उचित नहीं होगा। दोस्तों इंपोर्टेंट ये है कि बाय करने वालों के लिए, कि जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं दोस्तों वो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि मान लो आप बाय कर भी लेते हो तो इतने हाई प्राइस पे आप कितना रिटर्न कमा लोगे यार, कि आप इस इतने उच्च प्राइस के ऊपर इतने महंगे स्टॉक को कोई खरीद रहे हो तो आप कितना रिटर्न कमा लोगे, क्योंकि ये टाइम है निकलने का। अगर किसी ने 120 रुपए के आसपास 150 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था उसके निकलने का टाइम है और आप वहां पे खरीद रहे हो, और वहां पे किसने इन्वेस्ट किया था आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा वहां पे किन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो वो निकलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आप खरीद रहे हो। बस रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों कि वो हाई पे खरीदता है, मतलब जब निकलने का टाइम होता है तब तो वो बाई करता है और जब बाई करने का टाइम होता है तब वो निकल जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी गलती होती है रिटेल इन्वेस्टर की। अगर कोई बंदा कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस गलती को सुधार लेता है तो वो काफी मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों अगर बात करते हैं मैं इसको कहाँ खरीदूंगा, दोस्तों मैं इसका प्राइस सिलेक्ट करता हूँ 120 से 150 रुपए के आसपास ही आएगा तो मैं इसको खरीदूंगा, इससे ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये स्टॉक 1000 चला जाए, 2000 चला जाए, 5000 चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मुझे खरीदना नीच नहीं है। जब मुझे इस प्राइस पर खरीदना है तो ऊपर जाए मुझे उससे मतलब ही नहीं है यार, मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं होगा कि यार मैंने उसको मौका छोड़ दिया, मेरे ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये इस प्राइस पे आया तो मैं उसको अच्छे से खरीद लूंगा, अगर नहीं आया तो और किस स्टॉक पे ध्यान लगा दूंगा, कि जरूरी थोड़ी है कि एक स्टॉक है स्टॉक मार्केट के अंदर उसी के अंदर आपको खरीदना है, आपकी मजबूरी तो नहीं है ना, वह किसी की कोई मजबूरी थोड़ी है कि स्टॉक को खरीदना ही खरीदना है, भाई ये स्टॉक नहीं तो दूसरा स्टॉक खरीद लेंगे जो अच्छे भाव पे मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और अच्छा ग्रोथ है मार्केट के अंदर, फ्यूचर के अंदर अच्छी ग्रोथ हो सकती है, उसको खरीद लेंगे, जरूरी है इसको खरीदना। तो दोस्तों ये आपको समझना होगा कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा तेज भाग चुका है तो क्यों खरीदना है यार, वो पहले भाग चुका है, पार्टी खत्म हो चुकी है वहां पे, तो आप पार्टी खत्म होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप वहां पे बस ट्रैप हो जाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।